I'm going to start with topic Frankfurt Parliament. Romanticism, I think we have done on that day. Romanticism में मैंने कितने करवाए थे, जोन गोट, राइट, हडर, कैरल किपिंस्की एंड देन ग्रिम ब्रदर्स. डन. उसके बाद भी काफी करता हूँ. अब आ गया हमारा रोमांटिसिज्म डन. नेक्स्ट इज वी हैव डन आल्सो हंगर हार्डशिप रिवोल्ट, सिलेशिया रिवोल्ट. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. सिलेशिया रिवोल्ट और रिवोल्ट इन फ्रांस एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. हंगर हार्डशिप रिवोल्ट में वन मोर क्वेश्चन कैसे आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज रिवोल्ट इन फ्रांस. हंगर हार्डशिप के लिए आपको पूछा जा सकता है इन विच ईयर इकोनॉमिक क्राइसिस केम इन यूरोप. इन विच ईयर वन मोर क्वेश्चन इकोनॉमिक क्राइसिस केम इन यूरोप. 1830 है. 1830 में पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस है. एंड फर्स्ट जो हंगर हार्डशिप रिवोल्ट बना दैट वाज इन पेरिस. Paris is the capital city of France. So, who was ruler of France then? Louis Philippe. People came on the roads. Louis Philippe fled to other countries. In 1848, Louis Philippe fled to other countries. दूसरे country भाग गया. And in his absence, National Assembly was set up in France. नेशनल असेंबली ने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेव सफरेज टू अडल्ट मेल हुआ एट द एज ऑफ 21. इतना याद रखना. वुमेन को कितनी राइट टू वोट मिला. नेशनल असेंबली वाज सेट अप इन फ्रांस व्हेन लुईस फिलिप फ्लेड टू अदर कंट्री. इट गेव राइट टू वोट ओनली टू मेल हुआ एट द एज ऑफ 21. एंड इट ऑल्सो सेट अप नेशनल वर्कशॉप्स that provided job opportunities to the people of France. इस वजह से उन्होंने अपनी economic crisis की problem को solve किया था. ठीक है. One more questions from France. Paris का पूछ सकते हैं. Capital city of France. In which year economic crisis came in Europe? 1830 या फिर अगर France आए तो 1848. Europe है तो 1830. इतना ध्यान रखना है. Europe पूछा तो 1830, France है तो 1848. Who fled to other countries? Ruler of France when there were economic crises? Louis Philippe. Fled to other countries? National Assembly was set up, provided job opportunities for all, right to vote. दिया था मेल को. ठीक है. ये सारे वन मार्क क्वेश्चन हैं. Next, second revolt in Silesia. पूछा जा सकता है majority of the population of the people in Silesia was of peasants, workers or of weavers. मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन सिलेशिया वाज ऑफ बीवर्स. बीवर्स जो थे दे वर इन मेजोरिटी. मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन सिलेशिया वाज ऑफ. ना तो वहां पे पीजेंट्स थे ना वर्कर्स थे. वहां पे कौन थे? बीवर्स. तो वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर्स गेव ऑर्डर. और थ्री कॉन्ट्रैक्टर्स वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर गेव ऑर्डर the weavers to weave cloth for him. When cloth was ready, he lowered the price. Due to this, weavers protested. And who saw this incident? Journalist. Name of journalist? Wilhelm Boy. He saw this incident and it occurred on aapko time, date, year, sab kuch diya hua hai. 4 June, 2 p.m. 1845. 4 जून 2 पीएम 1845 सिलेशिया में 1845 में हंगर हार्डशिप का रिवोल्ट हुआ. 4 जून 2 पीएम क्या लिखा था उस जर्नलिस्ट ने. द क्राउड ऑफ वीवर्स मार्चिंग टुवर्ड्स द हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड दे अटैक्ड द स्टोर हाउस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. तो ये सब कुछ इसने आपको देखा था. दैट्स व्हाई वी आर आल्सो हैविंग टाइम ऑफ दिस इंसिडेंट. 4 जून 2 पीएम 1845 तो ये इंसिडेंट हुआ. नेम ऑफ द जर्नलिस्ट पूछा जा सकता है इन एमसीक्यू. तो इस वजह से आपको इसको लर्न करना है. तो वीवर जो कॉन्ट्रैक्टर था ही फ्लेड टू नेबरिंग विलेज बट डिडंट गेट शेल्टर. और कितने डेज के बाद वो वापस आया. 2 डेज 3 डेज और विद इन 24 आवर्स.
He came back to Sleshra within 24 hours. When he came, he came with the help of police. Army ke saath aaya. Army fired on weavers. And how many weavers lost their life in just incident 11? So ye pucha ja sakta kitne weavers ki death hui thi 11 weavers in Sleshra due to hunger and hardship. तो इस वे के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से हंगर हार्डशिप रिवोल्ट में से ठीक है यहाँ पे ना अब आगे लिबरल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यहाँ पे ना जोसेफ मेजनी का ना जब रेवोल्यूशनरीज करते हैं ना हम तो हियर वन कैरिकेचर इज गिवन इसमें उन्होंने जोसेफ मेजनी का जो उसने सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की थी यंग यूरोप बनने में सेटअप किया था उसका ईयर बताया हुआ है अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो ईयर इज नॉट गिवन देयर अगर हम इस कैरिकेचर को देखते हैं तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1833 तो देखा ना इन विच ईयर यंग यूरोप वाज सेट अप बाय मेसनी 1833 में यंग यूरोप इसने सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की थी ठीक है तो ये सब वर्णक में पूछे जा सकते हैं जो चीज यह पूछ सकते हैं नेक्स्ट डेलाक्रॉइक्स योगदान फ्रेंच पेंटर का योगदान ये आपने वैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ना लिबरल पॉलिटिकल लिबरल पॉलिटिशियन का नाम दिया हुआ है कार्ल वेपर Carl Becker was an elected member of Frankfurt Parliament given here. ये box देखो इसको पढ़ो वो जो इसमें आपको लगता है वनवास में तो वो तो learn it. Carl Becker एक elected member था Frankfurt Parliament का ठीक है. Louis Otto Peter एक activist था who founded Women's Journal Louis Otto Peter and who founded feminist political association Louis Otto Peter Louis Otto Peter ke liye aapne learn karna women's journal and ek aapne learn karna feminist political association learn these feminist ka meaning aapko acha liya people who believe in equal rights for both men and women तो यहाँ से ये लर्न करना है एक तो कॉल वेक्टर एक लुईस ऑटो पीटर ये आ जाने है पेपर में लुईस ऑटो पीटर का भी आपने लर्न करना है हु फाउंडेड फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन लुईस ऑटो पीटर हु फाउंडेड वुमेन्स जर्नल लुईस ऑटो पीटर हु वाज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कॉल वेक्टर लिबरल पॉलिटिशियन ये भी तो पूछ सकते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग हु वाज लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेपर है तो कौन सी डेट को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई 18 मई 1848 कहां पे हुई सेंट पॉल चर्च देश का नाम पूछा जा सकता है एंड हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड दिस मीटिंग 831 डेलीगेट्स अटेंडेड दिस मीटिंग Who was the ruler of Prussia then? Friedrich Wilhelm. Who was the ruler of Prussia when Frankfurt Parliament was held? Friedrich Wilhelm. He was the ruler of Prussia when Frankfurt Parliament was held. कहाँ पे हुई सेंट पॉल चर्च How many members attended? 831 delegates. What was the meaning of this Frankfurt Parliament to make Wilhelm IV a constitutional monarch of Germany? But Wilhelm IV was under the influence of aristocrats, and this meeting was called by liberals. Who called the parliamentary meeting at Frankfurt? Liberals, revolutionaries, conservatives? Liberals. Who called this meeting? Frankfurt Parliament किन्होंने बुलाई थी?
लिबरल्स ने बुलाई थी, तो लिबरल्स की ये मीटिंग थी कि एलम फोर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टोफर्स एंड ही रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज्ड टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. So with this refusal, this parliamentary meeting failed. In this meeting, women were standing at back, seat wall church में women जो है वो देखो आप इस पिक में आप देख सकते हो, women were standing at back as observer. क्या उनके views लिए गए women के? Women were the members of this banquet parliament? No. Women were not the members of this banquet parliament. They were standing at back as observer only. This showed that women were aware about their rights. Same poll church में women were standing at back. ठीक है, तो एक तो ये पूछ सकते हैं आपसे. Next, Habsburg Empire में what impacts का पूछ सकते हैं कि कहाँ पे serfdom and bonded labor was abolished after 10th Parliament. तो आपको याद रखना है Habsburg Dominion and Russia. Habsburg Dominion and Russia में क्या खत्म हो गया? Serfdom and bonded labor were abolished in Habsburg France. कहाँ पे? Russia में. Next is Germany की unification के बाद केसर विलियम जो रूलर था जर्मनी का, उसकी ओथ सेरेमनी हो रही है ये. इस पिक में अगर आप देखोगे तो ओथ सेरेमनी ऑफ केसर विलियम वाज हेल्ड कहाँ पे हो रही है? आपको यहाँ पे इन्होंने हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स, हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स ये आपको लर्न करना है. अब इसके लिए आपको सिर्फ इस जिसने भी आर्टिस्ट ने इसको ये पेंटिंग बनाई है, यू हैव टू लर्न हिज नेम आल्सो, एंटन वॉन वर्मर. एंटन वॉन वर्मर, अब इसने क्या दिखाया पेंटिंग, ये देख के पूछ सकते हैं इसने किस चीज को दिखाया, किसको शो कर रही है ये? एट द सेंटर, सेंटर में कौन है? केसर विलियम. ठीक है, एंड द चीफ कमांडर है प्रशिया का साथ में, चीफ कमांडर ऑफ प्रशियन आर्मी है जनरल वॉन ब्रून, चीफ कमांडर ऑफ रशिया सॉरी जर्मनी जनरल वॉन रून, आपने इसका भी नेम लर्न करना, जनरल वॉन रून. कौन है इस पिक में, किसको दिखाया आर्टिस्ट ने? एक तो केसर विलियम, फिर उसने दिखाया चीफ कमांडर ऑफ प्रशियन आर्मी, क्योंकि केसर विलियम था तो रूलर अर्लियर ही वाज रूलर ऑफ प्रशिया, तो साथ में उसने चीफ कमांडर दिखाया प्रशियन आर्मी का, नेम क्या उसका? जनरल वॉन रून. और साथ में उसके फिर कौन खड़ा है? बिस्मार्क, बिस्मार्क है. और फिर उसने ये पेंटिंग बिस्मार्क को गिफ्ट की, आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग, आर्टिस्ट कौन है? एंटन वॉन वार्नर, ही गिफ्टेड दिस पेंटिंग टू बिस्मार्क. उसका जब 70th बर्थडे था ना बिस्मार्क का, तो ही गिफ्टेड दिस पेंटिंग टू बिस्मार्क इन 1885 में उसने ये पेंटिंग बिस्मार्क को गिफ्ट की हुई है, जिस आर्टिस्ट ने बनाई थी. ठीक है, एंटन एंटन वॉन वर्नर नेम ऑफ द आर्टिस्ट. और साथ में किस किस को दिखाया इस पेंटिंग में? एक तो विलियम फोर सॉरी केसर विलियम, विलियम फोर की तो डेथ हो गई थी, केसर विलियम वो ही बना था ना रूलर ऑफ होल जर्मनी, अर्लियर ही वाज रूलर ऑफ प्रशिया. एक तो केसर विलियम, ठीक है, हॉल ऑफ मिरर है वर्सेल्स का, केसर विलियम है, साथ में उसका आर्मी का कमांडर है. ठीक है, उसके साथ जो खड़ा उसका प्रशियन आर्मी का कमांडर है, नेम क्या प्रशियन आर्मी के कमांडर का? जनरल वॉन रून, VON वॉन RON, जनरल वॉन रून. साथ में और कौन खड़ा है? बिस्मार्क. मींस तीन जनों को उसने दिखाया इस पेंटिंग में, एक केसर विलियम, जनरल वॉन रून. कौन है जनरल वॉन रून? कमांडर हो प्रशियन आर्मी, प्रशिया की आर्मी का, तो साथ में बिस्मार्क. और ये पेंटिंग उसने बाद में किसको गिफ्ट कर दी? केसर विलियम को गिफ्ट की है, बिस्मार्क को गिफ्ट की, बिस्मार्क को गिफ्ट. तो इस वजह से इसको लर्न कर लो. प्रशिया को पर्शिया लिख के भी दे सकते हैं गलत, ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया पर्शिया, तो ये ऑप्शन ये वाला कॉम्बिनेशन गलत हो गया ना. अब मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन रशिया प्रशिया, अब मैंने ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, ये भी गलत हो गया. अब मैं बोल रही हूँ ऑस्ट्रिया ब्रिटेन जर्मनी एंड पर्शिया, ये भी गलत है. अब मैं बोल रही हूँ ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया प्रशिया,
तो जिस बच्चे ने प्रशिका को ध्यान से पढ़ना ही नहीं, उसने प्रशिका को देखते ही टिक कर देना, उसको लगना है शायद प्रशिका प्रशिका को गलत लिख लिया, प्रशिका में लिख लिया। ऐसा नहीं है, प्रशिका एक अलग कंट्री है, प्रशिका अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है। ये गलत ना हो ध्यान से वहां पे पढ़ना। जनरल वॉन रून नाम याद रखो, प्रशियन आर्मी का कमांडर। नेक्स्ट, तो जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए आपको पहले तो याद रखना है यहाँ पे, हाँ ये पूछे ना उन्होंने जंकर्स, किसको कहा जंकर्स, ये बहुत बार पेपर में आता है, लार्ज लैंड ऑनर्स। इन जर्मनी लार्ज लैंड ऑनर्स को कहा गया जंकर्स। जंकर्स और कई बार बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है, तो आपको मालूम है जंकर्स किसको कहते हैं, कहा गया लार्ज लैंड ऑनर्स ऑफ जर्मनी जंकर्स। जैसे उसके मैंने दास वॉल बॉक्स करवाए थे, याद आ गया, दास वॉल बॉक्स चीज भूल गए, जॉन वॉट प्राइड मर्डर में मैंने नहीं करवाए थे वॉक्स चीज नेशन को कहा उसने, दास वॉल उसने कॉमन पीपल को कहा, याद आ गया ना। सेम ऐसे अब जर्मनी में जंकर्स किसको कहा गया, लार्ज लैंड ऑनर्स, जंकर्स मीनिंग लार्ज लैंड ऑनर्स, तो इसको ऐसे याद रखते हैं। नो व्हाट हैपेंड जर्मनी के लिए आपको याद रखना है, जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स, 39 स्टेट्स। फिर फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी केम टू एन एंड विद द फेलियर ऑफ विच पार्लियामेंट्री मीटिंग, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, क्योंकि विलेलम को रिफ्यूज टू बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, तो ये फेल हुआ था फर्स्ट फेज। फिर आपने पढ़ा है कि यूनिफिकेशन से पहले कौन हुआ सर रूलर ऑफ प्रशिया, विलियम वन चीफ मिनिस्टर हो, आपको अगर पूछा जाए प्रशिया का चीफ मिनिस्टर बताओ तो बिस्मार्क। बिस्मार्क की नेचर कैसी थी, ही वाज अग्रेसिव और वैसे भी बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैं पूछू बिस्मार्क बिलीव इन वायलेंस नॉन वायलेंस, किसमें बिलीव करता था, वायलेंस, ही बिलीव इन वायलेंस पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। And he fought how many wars within 7 years? 4 wars, 5 wars, 3 wars, 2 wars. 3 wars within 7 years. So he declared first war against Britain, Austria, and Italy. Austria. ऐसे वाले क्वेश्चन बन जाने हैं. He declared first war against Austria, and so he declared second war against Denmark. Third against France. क्या कहा गया, फ्रेंको प्रशियन वार, फ्रेंको प्रशियन वार जो फ्रांस के अगेंस्ट उसने डिक्लेयर की थी ना वार, दैट केम टू बी नोन एज फ्रेंको प्रशियन, फ्रेंको फ्रांस प्रशियन प्रशिया को बोला गया। सो आफ्टर दिस ही वॉन ऑल द वार्स एंड इन दिस वे ही यूनिफाइड होल जर्मनी। जर्मनी वॉज यूनिफाइड होल बिकॉज डेट इज गिवन, तो दे कैन आस्क 18 जनवरी 1871 जर्मनी वाज यूनिफाइड ऑन 18 जनवरी 1871। अब हु बिकेम द रूलर ऑफ एम्परर ऑफ होल जर्मनी आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन, विलियम वन। एंड हु डिड द वर्क ऑफ द यूनिफिकेशन, बिस्मार्क। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी आफ्टर यूनिफिकेशन, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप और मोनार्की। मोनार्कीकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। तो फिर ये कहाँ पे उसकी ओथ सेरेमनी हुई, हॉल ऑफ मिरर। तो किसने कौन है उसके साथ, व्हेन ही वाज टेकिंग ओथ, व्हेन आपको पूछा जा सकता है विलियम वन वाज टेकिंग ओथ एंड हु वाज स्टैंडिंग विद हिम, कौन है उसके साथ, दो जने हैं, कौन कौन है उसके, एक तो कमांडर है उसका आर्मी का, साथ में बिस्मार्क, ठीक है ना, एक तो कमांडर उसका आर्मी, ठीक है, तो साथ में और कौन है, बिस्मार्क। तो इनके कमांडर ऑफ आर्मी का नेम लर्न कर लेना है, बिस्मार्क है। और किसने ये पेंटिंग बनाई बाद में, किसको गिफ्ट कर दी गई पेंटिंग, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। ये एक साथ में दिया हुआ है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप जब इसको पढ़ोगे तो आपके रीडिंग जो है आपको लर्न हो जाना। नेक्स्ट आ जाना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब ये कैरिकेचर जो है ना, ऑटोवन बिस्मार्क इन द जर्मन रीस्टैग पार्लियामेंट, ये किसको कैरिकेचर किसको डिपेक्ट कर रहा है, ये डिपेक्ट कर रहा है ऑटोवन बिस्मार्क, ऑटोवन बिस्मार्क इन द जर्मन रीस्टैग पार्लियामेंट।
अब आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज नेम इज गिवन, तो पूछ सकते हैं नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी रीच स्टैब, मैं बोलू नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी डूमा बॉडी ऑफ स्टेट जनरल कांग्रेस के रीच स्टैब, रीच स्टैब क्योंकि ये नेम दे दिया उन्होंने रीच स्टैब, तो इसलिए वैसे भी नाइन्थ में पढ़ के आए हो गए रीच स्टैब के बारे में, तो जर्मन पार्लियामेंट का नेम है रीच स्टैब। ओटोवन बिस्मार्क शुरू किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने रीच स्टैब, ठीक है। फ्रॉम फिगारो वियना 5 मार्च 1870, ये देख लो डिस्क्राइब द कैरी पिक्चर नीचे लिखो मैं, ये देख के पूछ सकते हैं आपसे, ये कैरी पिक्चर के बारे में पूछ सकते हैं कि किसको डिपिक्ट कर, किसको शो कर रहे हैं, काउंट का मूड है कि बिस्मार्क है, कौन है बिस्मार्क, तो ये पूछ सकते हैं। अब इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स, इटली इनटू 7, तो नॉर्थ इटली वाज अंडर ऑस्ट्रिया, सेंट्रल इटली वाज अंडर पोप, साउथ इटली वाज अंडर बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, तो ये डिवीजन पता होनी चाहिए। नॉर्थ इटली वाज अंडर ऑस्ट्रिया बिकॉज ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना नॉर्थ इटली वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया, नॉर्थ इटली वाज अंडर ऑस्ट्रिया, सेंट्रल इटली पोप, साउथ इटली बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, तो इसने यहाँ पे सारा काम किया आपका यूनिफिकेशन। काउंट कैबूर, हु वाज काउंट कैबूर, हु वाज काउंट कैबूर, ही वाज चीफ मिनिस्टर हो अपना बोलूं आपको, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया पेरिस के सार्डिनिया पीडमोंट, सार्डिनिया पीडमोंट। बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, किसी में से बताओ बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, अब मैं पूछू बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया पेरिस और सार्डिनिया पीडमोंट, बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, काउंट कैबूर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, सार्डिनिया पीडमोंट का रूलर कौन था, विक्टर इमैनुअल टू, क्या वो ही वाज गवर्नर ऑफ इटालियन बॉर्न प्रिंस, विक्टर इमैनुअल टू वाज एन इटालियन बॉर्न प्रिंस, ही वाज एन गवर्नर, he was Italian born prince, people of 6 states, only one state Sardinia Piedmont was under Victor Emmanuel II, he was Italian born prince, people of 6 states of Italy were under foreigners, they wanted to come under the control of Victor Emmanuel II, क्योंकि six states किसके अंडर थी foreigners, only one state Sardinia Piedmont was under Italian born prince Victor Emmanuel टू, तो वो 6 states के लोग किसके अंदर आना चाहते थे, किसके अंदर आना चाहते थे, विक्टर इमैनुअल टू, क्योंकि उनको वो अपना लगता था, उनको था कि हमारी हमारा ही हमारी कंट्री का ही है, बाकी फॉरेन रूल से वो फ्रीडम चाहते थे, दैट्स व्हाई दे वांटेड टू कम अंडर द कंट्रोल ऑफ विक्टर इमैनुअल टू। तो यहाँ पे सारा जो किसने सारी यूनिफिकेशन का वर्क किया, काउंट कैबूर, हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इटली, काउंट कैबूर, हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इटली, काउंट कैबूर, काउंट कैबूर ने सारा ये काम किया, डिक्लेयर फर्स्ट वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड गॉट हेल्प फ्रॉम, अब मैं पूछूं आपसे गॉट हेल्प फ्रॉम, अब आप बताना जर्मनी रशिया के फ्रांस, किसने इसकी हेल्प की थी, काउंट कैबूर की, जर्मनी ने हेल्प की, रशिया ने, फ्रांस ने, फ्रांस ने, आपको याद रहेगा जो बिस्मार्क का ही गॉट वार अगेंस्ट फ्रांस, हम खुद ही कहते हैं फ्रेंको प्रशियन वार, whereas Count Cavour got help from France, इसे तो फ्रांस ने हेल्प किया, काउंट कैबूर को हर बार हेल्प मिली है, इसे फ्रांस ने हेल्प की इन द फर्स्ट वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड, एंड इन द साउथ ही got help from Garibaldi, who was Garibaldi, patriotic soldier of south Italy, मुझे ये बताओ जंकस का मीनिंग क्या, लार्ज लैंड ऑनर्स, किस कंट्री में इनको कहा गया, जंकस कहाँ पे कहते हैं, जर्मनी, जंकस कहाँ पे नाम पड़ा, जर्मनी, तो फिर आपको याद रखना है गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी वाज फेमस फॉर रेड शर्ट सोल्जर्स, तो गैरिबाल्डी ने साउथ इटली में इसकी हेल्प की, एंड दिस काउंट कैबूर वॉन द वार ऑफ साउथ इटली आल्सो, इन दिस वे यूनिफाइड होल इटली, इन दिस वे यूनिफाइड होल इटली, लॉ टेलिया यहाँ पे बताया हुआ है, इटली के लोग लॉ टेलिया को समझते थे विक्टर इमैनुअल की वाइफ, विक्टर इमैनुअल की वाइफ को समझते थे लॉ टेलिया, तो इस वजह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, इन विच ईयर इटली वाज यूनिफाइड 1861, इटली वाज यूनिफाइड इन 1861, और यहाँ पे ना कुछ इयर्स बताए हुए हैं, सार्डिनिया पीडमोंट सक्सीडेड ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को उन्होंने 1859 में हराया था। ऑस्ट्रिया फर्स्ट ही डिक्लेयर्ड फर्स्ट वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड डिफीटेड ऑस्ट्रियन आर्मी इन 1859 में उसने ऑस्ट्रिया को हराया। एंड 1860 में गैरिबाल्डी ज्वाइंड काउंट कैवू। गैरिबाल्डी ने किसको ज्वाइन कर लिया? काउंट कैवू। और इन्होंने टू सिसिलीज किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे अटैक किया एंड वॉन द वॉर। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड ड्राइव आउट स्पैनिश रूल इन 1861 क्योंकि साउथ इटली वाज अंडर बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो 1861 में इन्होंने स्पैनिश रूलर्स को हरा दिया था एंड इन दिस वे दे यूनिफाइड होल इटली इन 1861। 1859 में इसने किसको हराया? ऑस्ट्रिया। 1860 में काउंट कैवू को किसने ज्वाइन किया? गैरिबाल्डी। और इन्होंने कौन से टू स्टेट्स ऑफ इटली पे अटैक किया? टू सिसिलीज पे अटैक किया एंड इन 1861 दे डिफीटेड स्पेनिश रूलर्स। इन दिस वे होल इटली वाज यूनिफाइड इन 1861। जर्मनी वाज यूनिफाइड ऑन 18 जनवरी 1871। इटली वाज यूनिफाइड इन 1861। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इटली आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन? मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इटली आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन।